हेलो गाइस, सो माय नेम इज़ आफ्ताब फ़ज़ा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो है गाइस, वो एक ब्लॉग से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अपने आईफोन 13 को, जो कि मैंने लिया था जून के महीने में। तो अभी इसको चला के लगभग 4 महीने हो चुके हैं, तो मैं इस 4 महीने का जो भी इस फ़ोन का परफॉर्मेंस है उसका मैं आज आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को गाइज मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो है वो इसका है बैटरी परफॉर्मेंस, देन इसका परफॉर्मेंस, देन इसका ड्यूरेबिलिटी एंड अपेयरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अपेयरेंस के, और इसके बॉक्स को जो है वो साइड में कर लेते हैं और इसका बैक कवर मैं हटा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइज, ये जो फ़ोन है वो अभी काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, कोई भी स्क्रैच मार्क या डेंट मार्क नहीं आया है फ़ोन पे, ना ही बैक साइड पे, ना ही फ्रंट साइड पे, ना ही साइड्स पे। बस जो इसका ऊपर का टेम्परेंट ग्लास है वो एक बार टूट गया था, तो उसको मैंने रिपेयर करा, उसको मैंने चेंज कराया, नॉट रिपेयर कराया, उसको मैंने चेंज कराया है, जिसका कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़ है। सो गाइज नाउ बात करते हैं इसके बैटरी परफॉर्मेंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बैटरी हेल्थ दिखाता हूँ, उसके लिए मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे, देन बैटरी, देन बैटरी हेल्थ। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, वो अभी भी इसका जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है, और इसका बैटरी बैकअप जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। अगर आप एक मिनिमम यूज़ करते हैं आप इस फ़ोन को, लाइक बस फ़ोन पे बात करना या थोड़े बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखना, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम यूज़ करना, तो आपको आराम से ये जो फ़ोन है वो नियर अबाउट 1 डे से लेके 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे सकता है। और अगर आप मीडियम इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो नियर अबाउट 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप है, और अगर आप कंटिन्यूस बैटरी यूज़ करते हैं फ़ोन को तो आपको 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है। ओके, नाउ बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो गाइस परफॉर्मेंस में अभी तक कोई भी इशू नहीं आया, फ़ोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो ये जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बट इसमें मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कोई भी हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। हीटिंग प्रॉब्लम डेफिनेटली है, तो अभी तक इन 4 महीनों में फ़ोन जो है वो 2 बार हीट हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूँ कभी कभी हुआ था। जो पहली बार हीट हुआ था गाइस, वो जब भी मैं एक वीडियो रेंडर कर रहा था, तो आपने जैसा कि देखा रहेगा, एक ये देखिए, ये जो आपको वीडियो दिख रहा है August 7, 2022 का, वो लगभग 2 GB का वीडियो है, और इसको रेंडर करते टाइम ये जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था। और जो सेकंड टाइम है वो जब भी मैं एक वेबिनार अटेंड कर रहा था 2 घंटे का, तभी ये जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया था। नाउ बात करते हैं कैमरा पे। तो इसका कैमरा जो क्वालिटी है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा सही है। अगर आप देखना चाहते हैं इस फ़ोन का वीडियोज़ कैसे आते हैं, तो मैंने एक ब्लॉग शूट किया था मनाली में जोगनी फॉल्स का, वो कम्प्लीट जो ब्लॉग है गाइस वो पूरा इसी फ़ोन से शूट किया था, तो उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है या फिर ऊपर में आई बटन में आता रहेगा, क्लिक करके इसका कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इसका ड्रॉप टेस्ट एंड वाटर टेस्ट किया था गाइस, तो वो भी चैनल पे अपलोड है, उसका भी वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन पे या फिर चैनल डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो आज के इस रिव्यू में गाइस बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट ट्रिप जो करने वाला हूँ वो उसका जो ब्लॉग है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।